इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी के सिलेबस में पेपर सेकंड की जो पहली यूनिट है, इसमें हमें कुछ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल बिहेव करते हों। तो इस वीडियो में आपके 3 से 4 टॉपिक कवर होने वाले हैं। आपके सिलेबस में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और डायग्राम की मदद से भी समझेंगे और थ्योरी वाइज भी समझेंगे। तो जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे वीडियो में हमें टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? एक तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, लिविंग मटेरियल्स होते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, या तो डीएनए के फॉर्म में या तो आरएनए के फॉर्म में। तो डीएनए और आरएनए क्या है? एक तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं। होपफुली आपको ये पता होगा कि सेल के अंदर हमारी जो बॉडी है, बिल्डिंग ब्लॉक हमारे सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सभी चीज़ें अभी हम देखेंगे एक रफ पेपर पे। तो डीएनए या आरएनए होता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। फिर न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ये किससे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है न्यूक्लिक एसिड का? नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, शुगर मॉलिक्यूल के साथ और फॉस्फेट ग्रुप के मिक्सचर से। ये सभी चीजें जब लिंक्ड हो जाती हैं तरह तरह के बॉन्ड से मिलने के बाद एक तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, तब ये देखेंगे कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड मिक्स होते हैं, कैसे इनकी बॉन्डिंग होती है। आरएनए में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थायमिन की जगह यूरैसिल बेस ज्वाइन हो जाता है। तो कैसे कैसे इनकी लिंकिंग होती है, इसके बेसिस पे हम इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। डीएनए स्ट्रक्चर जो है ये डिफाइन करता है कि जेनेटिक मेकअप कैसा होगा बॉडी का। बिकॉज डीएनए ही वो हेरिडिटी मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। पेरेंट्स से आने वाली ऑफस्प्रिंग में नेक्स्ट जनरेशन में पास होने वाली जो चीज़ होती है वो डीएनए ही होती है। तो डीएनए के रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी जो साइंटिस्ट ने डीएनए किसने डिस्कवर किया, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है ये किसने प्रूव किया, ये सभी चीज़ें हम एग्जाम्पल की मदद से या फिर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी जिसमें कि हम पर्टिकुलर उस थ्योरी के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे हर्शे एंड चेस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बिकॉज पहले ये प्रूफ नहीं था कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल है जो आगे पास ऑन होता है जनरेशन में। तो ये चीज़ प्रूफ की गई थी हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये एक वीडियो में हम पढ़ लेंगे। और डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये भी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, ये भी हम समझेंगे। तो डीएनए से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपका जो फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर की जो पहली यूनिट है ये आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर कोडॉन्स हैं, कोडॉन्स का अरेंजमेंट है, ये सभी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। तो जैसे ही आप सीरियल वाइज से एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं होगा, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, मैं जैसा कि मैंने बताया आगे पास ऑन होता है। फिर अब डीएनए का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था? जैसा कि हम जानते हैं डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मींस ऐसे ऐसे करके डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसे डबल हेलिकल कहते हैं, ये हेलिक्स बने हुए हैं। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का होता है, ये किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल के थ्रू ये डिस्कवर किया था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल होता है। तो यहाँ पर हम इनके मॉडल के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर डीएनए के बारे में सिर्फ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। जब पर्सनली एक वीडियो पर सेपरेट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने ये डिफाइन किया था कि जिनका स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल है। फिर देख लेते हैं ये डीएनए जो है रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ये हम पढ़ चुके हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नेक्स्ट जनरेशन में जो पास होने वाला जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। आगे का जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, वो कैसा दिखेगा, वो डीएनए जो हेरिडिटी मटेरियल कैरी ऑन करता है। फिर डीएनए क्या होता है, ये सभी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट है ये। डीएनए एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि डीएनए एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है, क्योंकि अभी हम जैसे ही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो हमें ये क्लेरिफाई होगा कि इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, शुगर मॉलिक्यूल, डिपेंड करता है कौन सी शुगर ऐड होगी, कौन सा न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, ये भी चीजें भी हम देखेंगे। क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर ऐड होती है और आरएनए में राइबोस शुगर ऐड होती है, और ये दोनों ही पेंटोस शुगर के एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आप अभी पढ़ेंगे। मैं अभी एक रफ पेपर पे आपको सभी चीजें क्लियर कर दूंगी। तो इतनी चीजें हमने देखी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होने वाला जो जेनेटिक मटीरियल होता है हेरिडिटी मटीरियल होता है, मीन आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसी दिखेगी, उसका जीन मेकअप कैसा होगा, उसकी बॉडी मेकअप कैसी होगी, ये डीएनए ही आगे पास ऑन करता है। डीएनए कितनी चीजें कंप्राइजेस करता है, एक शुगर होती है जिनकी मैंने अभी बताया, शुगर होती है, डिपेंड करता है कौन सा न्यूक्लिक एसिड बनेगा, अगर डीएनए बन रहा है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जो उसकी बैकबोन का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो बस जस्ट इन 2 or 3 मिनट्स आपको ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस जुड़े हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं, ये भी हम आगे अभी देखेंगे। तो गोनीन, साइटोसिन, एडोनिन और थाइमिन, ये 4 बेसिस को मिला के डीएनए का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब आरएनए का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन होता है तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस जो बेस होता है न्यूक्लियोटाइड बेस वहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। थायमीन जो आपको ये बेस दिख रहा है, थायमीन के जगह पे यूरासिल बेस वहाँ पे ऐड हो जाता है, तब आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है और डीएनए में थायमीन बेस ऐड रहता है। तो डीएनए और आरएनए में क्या मेजर डिफरेंस है? डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज शुगर ऐड होती है, ये जो शुगर यहाँ पे ऐड करनी है हमें, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप कॉमन रहता है, दोनों में ही वही फॉस्फेट ग्रुप होगा, उसके बाद यहाँ पे थायमीन ऐड होता है डीएनए में और आरएनए में यूरासिल ऐड होता है। होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डीएनए का क्या होता है। जैसा कि हम देखते हैं हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई होती है, या कोई भी पॉलीसेकेराइड होता है, कोई भी पॉलीमर होता है, तो उसके छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स उसमें जुड़ी हुई होती हैं, तब जाके वो पूरी चेन बनती है, पूरी पॉलीमर बनती है। तो डीएनए जो हमारे, जैसे मान लीजिए ये पूरा डीएनए है, तो डीएनए पूरा बना किसकी वजह से, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो ये जो एक एक है ये इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये कौन है? ये न्यूक्लियोटाइड्स है। अभी हम न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? एक शुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेस होंगे, जो भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए। तो शुगर जो होगा वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंक होता है, न्यूक्लियोटाइड्स भी आपस में लिंक्ड होते हैं, एडेनिन ए, थायमिन टी, ये सभी चीजें इस नंबर से, इस लेटर से शो की जाती है, ग्वानिन जी से, सी से, चार टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो मिला के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। देन अमंग थ्री कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, शुगर इज वन विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। शुगर फॉस्फेट के साथ जुड़ के बैकबोन बनाती है डीएनए का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी ऑक्सी राइबोज। अभी मैंने बताया ना कि डी ऑक्सी राइबोज शुगर ऐड होती है डीएनए में और सिर्फ राइबोज शुगर ऐड होती है आरएनए में। ठीक है, इतना आपको डिफरेंस याद रखना है। नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं तो सभी यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे से पेयर करते हैं, मींस इधर भी नाइट्रोजनस बेसिस है और इस साइड भी नाइट्रोजनस बेसिस है। तो दोनों साइड के अपोजिट स्ट्रैंड्स के, ये आप देख रहे हैं ना, एक इसको स्ट्रैंड कहा जाता है इसको, और ये दूसरा इसको भी स्ट्रैंड कहा जाता है। तो ये पूरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन सेपरेटली अगर आप सिर्फ इसकी एक की बात करें तो ये एक स्ट्रैंड है और ये दो स्ट्रैंड है। मतलब एक डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से दो स्ट्रैंड होते हैं जो कि हेलिक्स के फॉर्म में ऐसे लिपटे हुए होते हैं। तो ये आपको दो स्ट्रैंड पता होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। तो ये स्ट्रैंड का फॉर्मेशन इसी वजह से होता है क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अपने विपरीत यानी अपोजिट स्ट्रैंड जो है बगल वाला, उस पर जो लगे हुए नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उससे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से क्या होता है, वो लिंकेज फॉर्म कर लेते हैं, वहां पे बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, और ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर मींस सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर यहां पे डीएनए का हमारा बन जाता है। तो ये किसकी वजह से बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बनता है। तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये चार तरह के नाइट्रोजनस बेसिस अभी हमने ऊपर पढ़े थे, तो यही चारों आपस में पेयरिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा पेयर करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहां पे, यहां पे क्या बताया जा रहा है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। हमने ये बताया कि एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि सेल की सारी फंक्शनिंग न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, और आगे जितने भी रेप्लिकेट करेगा सेल तो आगे जो डॉटर सेल्स बनेंगी तो वो कैसी दिखेंगी, वो पेरेंट सेल के आइडेंटिकल दिखेंगी, तो ये जेनेटिक मटीरियल ही तो डिसाइड करेगा। तो ये डीएनए आगे पास ऑन होता है तभी पेरेंट जैसी दिखने वाली आगे डॉटर सेल बन पाती हैं। तो यहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए से क्या होता है? डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं, और आरएनए प्रोटीन में बदलती है, कन्वर्ट होती है, जिसे हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारी बॉडी में वो प्रोटीन फॉर्म में ही होते हैं। तो डीएनए अल्टीमेटली हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो प्रोटीन्स बनाता है जो कि हमारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। ये भी चीज़ें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, तो आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको कि डीएनए से आरएनए जब बनता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से प्रोटीन्स जब बनती है तो वो ट्रांसलेशन होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि कोई भी पॉलीमर होता है तो पॉलीमर समझने के लिए, यानी कोई भी चेन है, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर चेन है तो इस पूरे को कहा जाता है पॉलीमर, और जिन एक एक यूनिट से बनी हुई है तो एक एक यूनिट को कहा जाता है मोनोमर, यानी मोनोमर्स को मिला के ही पॉलीमर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देख लेते हैं जैसे प्रोटीन एक क्या है, पॉलीमर है, तो प्रोटीन का पॉलीमर का फिर मोनोमर क्या है, तो एमाइनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर होते हैं, मतलब ये एक एमाइनो एसिड, दूसरा एमाइनो एसिड, तीसरा एमाइनो एसिड, चौथा एमाइनो एसिड, तो सारे ही एमाइनो एसिड जब आपस में लिंक्ड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। वैसे ही पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड एक पॉलीमर है और इसकी भी चेन होती है, तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड। तो ये समझाने का मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन था कि आप डीएनए समझ जाएं कि डीएनए एक पॉलीमर है और इसके मोनोमर यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड एक, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, सभी न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलने के बाद ज्वाइन
जॉइंट होने के बाद डीएनए एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि ये सभी न्यूक्लियोटाइड हैं, तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड है, जो पॉली वर्ड यूज़ किया जाता है, तो हम डीएनए को पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। कई जगह बहुत सारी बुक में आप पॉली न्यूक्लियोटाइड वर्ड देखा, मतलब लिखा आपको दिखेगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, डीएनए को ही पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब स्ट्रक्चर डीएनए का देख लेते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम डीएनए बनाने जा रहे हैं तो उसकी एक मोनोमर यूनिट क्या है, कैसे बनेगी वो, ये हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड एक ये है क्या। जब हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में समझ जाएंगे तो इजीली हम सभी न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स में कितनी चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। पेंटोज शुगर होगी, मैंने बताया था शुगर ऐड होती है। तो यहाँ पे पांच कार्बन वाली, जैसे आपने पढ़ा होगा C3 होता है तो ट्राइओज शुगर उसे कहा जाता है, ट्राइओज शुगर कहा जाएगा। C4 होगा तो टेट्रोज कहा जाएगा, C5 होगा तो पेंटोज कहा जाएगा, और C6 होगा तो हेक्सोज शुगर कहा जाएगा। ये नेमिंग होती है, कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग है ये। तो यहाँ पे पेंटोज शुगर, पांच कार्बन वाली शुगर यूज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं उन सभी को हम शुगर्स कहते हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, शुगर कहा जाता है। तो यहाँ पे पांच पेंटोज शुगर यूज होती है, मींस पांच कार्बन वाली। और यहाँ पे क्या यूज होगा, फॉस्फेट ग्रुप यूज होगा, नाइट्रोजनस बेसिस यूज होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, सिंपली आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा अगर आप बहुत ही ज्यादा केयरफुली समझने की कोशिश करेंगे। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, ये कार्बन की रिंग्स होती हैं जो नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड होती है, मींस कार्बन और नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां भी आप वर्ड देखें तो इतना समझ जाए कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग चीजों से नहीं बना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक रिंग होती है जो कि कार्बन नाइट्रोजन से बनी हुई थी, जिसे हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स होते हैं और पिरिमिडीन्स होते हैं। तो प्यूरीन्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है, दो यहाँ पे रिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आपको उतना डेप्थ में अभी नहीं पढ़ना है। प्यूरीन्स जो होते हैं यहाँ पे दो रिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है, ये प्यूरीन्स है। पिरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा होता है और यहाँ पे एक ही रिंग होती है इसके स्ट्रक्चर में, तो इसे पिरिमिडीन कहते हैं। तो आपको याद रखना है नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स भी आगे दो टाइप का है, एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरीन्स के सब पार्ट हैं, ये दोनों ही नाइट्रोजनस बेस हैं। और पिरिमिडीन में आ जाते हैं थायमीन और साइटोसिन, ये दोनों भी नाइट्रोजनस बेस है। तो इन्हीं चारों का इस्तेमाल करके और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का इस्तेमाल करके हम क्या बनाने वाले हैं, डीएनए बनाने वाले हैं, मींस ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो इसी तरह के सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे और सभी न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड होने के बाद डीएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए की जो मोनोमर यूनिट है ये न्यूक्लियोटाइड है। ये समझने के बाद अब हमें क्या देखना है, ये मैंने ऐसे ही बनाया हुआ, जो अभी मैंने आपको बताया कि C3 मतलब तीन कार्बन होते हैं तो वो ट्राइओज शुगर होती है, चार होते हैं तो टेट्रोज, पांच होती है तो पेंटोज, और छः अगर शुगर होती है या छः कार्बन की शुगर तो हेक्सोज कहा जाता है उसे। तो अभी हमें डीएनए बनाने के लिए पेंटोज शुगर चाहिए, मतलब C5 की शुगर, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे राइबोज शुगर जिससे कि आरएनए बनता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर जिससे कि डीएनए बनता है। तो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके के होते हैं, भी मैंने लिख रखा है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो 1 से 6 तक की होते हैं, मोनोसैकेराइड तो जो पेंटोज शुगर है ये मोनोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड मींस 1 से 10 तक के बीच में जितने भी आते हैं, जुड़ते चले जाते हैं सैकेराइड्स, वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। और 10 से ज्यादा मोनोमर्स जब जुड़ेंगे, जो मोनोमर्स हमने बताए थे, ये 10 से ज्यादा जुड़ जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड बन जाता है। ये सभी चीजें थी। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे ये क्या हुआ है, ये स्ट्रक्चर यहां पे शुगर और बेस को जोड़ने के बाद, मींस ये हमारा बेस है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे शुगर जब ऐड हो जाती है, ये राइबोज शुगर, ये पेंटोज शुगर बना रखी है हमने, तो यहाँ पे जैसे ही बेस ऐड होगा इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो शुगर होती है, चाहे वो राइबोज शुगर हो चाहे वो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, उसमें जब बेस ऐड हो जाएगा, बेस कौन से ऐड होंगे, जो हमने ऊपर चार तरह के बेसिस पढ़े, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड भी एक या दो नंबर में शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं तो जाके न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर था। नीचे का डायग्राम उतना ज्यादा क्लियर नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे, मींस इतना सा आपको ध्यान रखना, इतना ओवरव्यू काफी था। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे, ये मैंने बताया था नीचे कि फॉस्फोरिक ग्रुप ऐड होता है, फॉस्फेट ऐड होगा ना तो फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है, H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है, फॉस्फेट ग्रुप जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ ऐड होती है हमारे बेस में, तब जाके पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये नीचे से थोड़ा उतना क्लियर नहीं है तो मैं जब नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी डीएनए का उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये स्ट्रक्चर था डीएनए के बारे में। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है।
यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का। तो ये जो है शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये बेस पेयर है, मीन्स ये सी लिखा हुआ है, सी से मैंने क्या बताया था साइटोसिन और जी से ग्वानीन, तो ये आपस में पेयर कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना, हमने क्या बताया था एडेनिन थायमिन ग्वानीन और साइटोसिन, ये चार तरह के नाइट्रोजनस बेसिस अभी हमने थ्योरी में पढ़े, तो ये चार तरह के बेसिस का इस्तेमाल करके हम डीएनए बनाएंगे। तो एडेनिन थायमिन के साथ ही पेयर करेगा हमेशा, कभी भी एडेनिन ग्वानीन या साइटोसिन के साथ पेयर नहीं करेगा, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानीन के साथ पेयर करता है। इस तरह की अपोजिट स्ट्रैंड में पेयरिंग होने के बाद डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में आप ध्यान रखेंगे, मैंने प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स बताया था, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स भी आगे फर्दर डिवाइडेड है। प्यूरीन्स जो होते हैं वो एडेनिन और थायमिन को प्यूरीन कहा जाता है, और थायमिन यहाँ पे ऊपर नीचे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, एडेनिन और ग्वानीन को, मींस एडेनिन और ग्वानीन को हम क्या कहते हैं, प्यूरीन्स कहते हैं, और साइटोसिन और थायमिन को हम पिरिमिडीन्स कहते हैं। ये थ्योरी में है पूरा, जो मैंने रफ पेपर में पूरा समझाया हुआ है उसमें भी गिवन है, तो आप इसको अच्छे से दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा डीएनए का, ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इतना काफ़ी था, सेकेंड पार्ट में हम मिलते हैं, आगे डीएनए के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे।